दीप जलाने के बाद भी पटाखे के बिना दीपावली अधूरी रहती है। लोगों को इस दिन का इंतजार रहता है। वहीं इस बार सरकार की तरफ से ग्रीन पटाखे का ही इस्तेमाल करने का निर्देश लोगों को दिया गया। दीपावली के विभिन्न सामग्रियों के साथ पटाखों का भी बाजार सज चुका है। गुवाहाटी के फैंसी बाजार में दीपावली को लेकर इस बार बाजार में ग्रीन पटाखों की धूम है। इन पटाखों से काफी मात्रा में प्रदूषण कम होता है। वहीं छोटे बच्चों के लिए बिना विस्फोट के आवाज वाले पटाखे लाए गए हैं। मैडम कुछ भी नहीं है, जो रेगुलर बच्चों के यूज की आइटम है सारी चीजें, फुलझड़ी है, अनार है, चक्री है, पॉपअप है, किटकेट है, सभी आइटम ही है बच्चे की। ऊपर के शॉर्ट्स वगैरह हैं थोड़ा बहुत उसके अंदर। फ्लावरपॉट में आपको जैसे चार पांच रेंज आती है, साइज छोटी बड़ी आती है, चार पांच साइज होती है। मोटी मोटी 100 रुपीज से लेके 450-500 तक पर बॉक्स का रेंज है उसमें। उसमें कलरफुल भी है और आपको प्लेन भी मिलेगा और सिंगल कलर मल्टी कलर भी मिलेगा उसके अंदर आपको। प्रभाव तो देखिए कोरोना को चलते प्रभाव तो बहुत पड़ा है बिजनेस के ऊपर, लेकिन इस साल उम्मीद अच्छी है कि थोड़ी मार्केट बढ़िया होनी चाहिए। जैसे हम लोग को थोड़ा सा लग रहा है कि भाई मार्केट जाएगा, अच्छा होना चाहिए इस बार एकदम पटाखों का। लोग ज़्यादातर बच्चों के आइटम ही डिमांड कर रहे हैं, बच्चों के मतलब 2 साल से बच्चों ने पटाखे यूज़ किए ही नहीं है, तो इसलिए बच्चों के आइटम ज़्यादा चाहिए लोगों को इस बार। चक्री है, अनार है, पोलगाज है, किटकिट है, सब आइटम ज़्यादा मांग रहे हैं लोग। फुलझड़ी है आपको 100 से लेके 100-200 तक की रेंज है, साइज छोटी बड़ी हो जाती है। पोलगाज में भी 5-6 साइज है, इसमें 350 की है, 450 की है, 500 की है, 200, सब रेंज की है, अलग अलग क्वालिटी और कलर के हिसाब से रेट है सबकी। तो हमारी जो भी प्रोडक्ट है सारी इंडियन है, टोटल अपने इंडिया मेड है, कोई भी अपने बाहर के आइटम कुछ भी नहीं है अपने। और वोकल लोकल जो आप बता रहे हैं मेरे को, वो आते हैं बरपेटा वाला जो बनती है, वो अभी तक कोई क्लाइंट अभी तक आया नहीं है जिसे हम परचेज कर सके उनसे। रोशनी का पर्व दीपावली अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं दीपावली में, और इसके तहत आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक पटाखों की दुकान पर फैंसी बाजार में, जहाँ पर देख सकते हैं तरह तरह के पटाखे यहाँ पर मौजूद है। बच्चों के खास करके बच्चों को जो पसंद आता है वही पटाखे, तरह तरह के पटाखे यहाँ पर लाए गए हैं। और यहाँ पर दुकान है इनकी फैंसी बाजार में, संदीप जैन जी की दुकान है, और यहाँ पर बहुत तरीके के पटाखे हैं। और साथ ही साथ ये पटाखों की विशेषता ये है कि ये सारे जो है पटाखे ग्रीन जो है प्रदूषण को देखते हुए ग्रीन फायरवर्क्स जो है उसके बैनर के तले बना हुआ है, और ये प्रदूषण को मतलब हमारे पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है इस चीज़ पर, प्रदूषण कम होगा। वही पटाखे उसी तरह से जैसे कि लोग हर साल दिवाली को एंजॉय करते हैं, उसी तरह से लोग पटाखे फोड़ सकते हैं, लेकिन इसकी विशेषता ये ही होगी कि इसमें प्रदूषण जो है कम फैलेगा। आप यहाँ पर शॉपिंग करने आए पटाखों की, कितने पटाखे खरीदे? मैडम अभी बिलिंग कर रहे हैं, मैंने बच्चों को देखते हुए लिए हैं ज़्यादातर पटाखे, क्योंकि बच्चों भी काफ़ी 2 साल से नहीं चला पाए हैं, तो बच्चों का बहुत ज़्यादा बच्चे के इन्फ्लुएंस पे ही मैं आया हूँ। मैं वैसे पटाखे नहीं चलाता हूँ, लेकिन बच्चों को हम मना नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से बच्चे के लिए मैं लेने के लिए आया हूँ। क्या क्या पटाखे खरीदे? मैंने मैडम चक्री ली है, अनार लिया है, मैंने रॉकेट लिया है, और बच्चों के पटाखे हैं जैसे ये बच्चों के आइटम है ये लिए हैं, और इसको मैं जानता नहीं हूँ, अभी चला के देखूँगा तो पता लगेगा कि क्या है ये, तो ये बच्चे की डिमांड पे ही ले रहा हूँ मैं। और सभी को और आपको सभी दर्शकों को मैं दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और आपको भी। और मैं इस उम्मीद पे आया हूँ कि होलसेल की दुकान है तो रेट भी अच्छे लगेंगे यहाँ पे, जो मुझे सस्ता पड़ेगा बाकी मार्केट के मुकाबले। पटाखे चलाओगे इस बार? हाँ। क्या क्या पटाखे खरीदे? लॉकेट और नहीं बताया मुझे, हम तो पटाखे छत पे फोड़ेंगे।